नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटा ओनर की। क्रेटा ओनर जब वैगनार सीएनजी वाली चलाता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो क्रेटा ओनर जो कि हमारे हेमंत भाई हैं, हेमंत भाई ने आज ये वैगनार करीब 125-150 किलोमीटर चलाई है और अब इसको ये पहाड़ों में चला गए हैं। उनसे उनका अनुभव जानते हैं कि उनको कैसा लगा इसको चलाने में, इस गाड़ी का पिकअप वगैरह कैसा है और क्या इनको सीएनजी में ये गाड़ी अंडर पावर लगी या फिर उनको उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा हेमंत भाई, ये बताओ कि अब जैसे एक तो आप चलाते हो क्रेटा और आज चला रहे हो वैगनार, तो अब पहाड़ों में क्रेटा को चलाने में ज्यादा आनंद आता है क्रेटा 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 आप कभी भी यूज कर लेना। हाँ, क्रेटा को, वो क्यों और रहेगा? अब आपको और हाईवे पे हाईवे पे मेरे लिए दोनों सिमिलर है, बट हिल पे क्रेटा। नहीं, जैसे अब हम फरीदाबाद से आए हैं, है ना, तो फरीदाबाद से आने पे आपने देखो चंडीगढ़ तक तो हाईवे पड़ा है। मतलब देखो जी, हाईवे वाली बात ये है, बड़ी का देखो उसमें और इसमें बहुत फर्क है। एक तो सबसे पहले इंजन सीसी का इतना बड़ा फर्क है कि हाँ, वो उस पर पंजा इशारे से देना पड़ता है, इतना पंजा दबा के देना पड़ रहा है। अच्छा। पहली चीज, ये गाड़ी लोड लेके चल रही है, वो गाड़ी लोड नहीं लेती। लोड नहीं लेती। नहीं, आप हाईवे की कह रहे हो, हिल्स की कह रहे हो? दोनों की कह रहा हूँ। अच्छा। इसे अगर ओवरटेक करना है तो हमें तीसरे गियर में डालनी पड़ेगी, हाँ, वो तीसरे गियर में डालने की जरूरत नहीं है उसे। अच्छा। वो चौथे गियर में अगर चल रही थी ना, तो चौथे गियर में ओवरटेक कर जाएगी वो गाड़ी। चौथे में। और अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव की बात करोगे आप तो एवरेज उसकी कम है? नहीं, एवरेज तो कम नहीं है, बट लेकिन आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो कुछ महंगी पड़ती है, क्योंकि हाँ, तो बड़ी गाड़ी होने के कारण 1400 सीसी इंजन है, लेकिन उसके मेंटेनेंस फायदे है। भी हैं। फायदे के संग नुकसान भी यही है कि बस थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा आती है गाड़ी। अच्छा। और जैसे क्रेटा में 80-90 की स्पीड से ऊपर चलाते हैं और इसको 80-90 की स्पीड से ऊपर चलाते हैं, तो आपको बॉडी रोल फील होता है? जैसे इसमें तो 80-90 की स्पीड पे कट मारने में, ये वो घूम जाएगी, और उसमें उसमें नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो गाड़ी स्टेबल होके चलती है बिल्कुल। अच्छा। एक ब्रेक लगने वो में पे लोडेड सो पे, गाड़ी है, वो लोडेड गाड़ी है एक्चुअल हाँ, में। 100 पे भी ना ब्रेक मारोगे ना तो गाड़ी स्किट नहीं होगी, स्किट तो नहीं जाएगी, होगी। ये हो जाएगी ना ब्रेक। उसमें फीचर्स भी कंपनी की तरफ से लोडेड है, ईबीएस ईबीडी दोनों इंक्लूडेड है इसमें। अच्छा। ईबीएस ईबीडी कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल गियर में चलती है गाड़ी, नॉर्मल ड्रम्स ब्रेक है और डिस्क ब्रेक है। अच्छा। नहीं तो, और ये तो चलो हाईवे की बात हुई, अगर हम हिल्स पे बात करें तो हिल्स पे तो जैसे स्पीड तो ज्यादातर मेन बराबर ही रहेगी, चाहे आप क्रेटा चलाओ या इसको चलाओ। ऐसा नहीं है, हील्स पे कई बार बड़ी गाड़ी थोड़ा अपना पिकअप बना के निकाल लेती है अपने आप को, अच्छा, पर छोटी गाड़ी पिकअप नहीं बना पाती। छोटी गाड़ी को निकालने के लिए आपको रोड और दोनों चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी जो हाइट है गाड़ी की और जो मीटर लेंथ है और ब्रेथ है दोनों, उनमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस मेजर जो मेजर रोल प्ले करता है काम पर। नहीं, जैसे क्रेटा में तो लंबाई की वजह से भी आपका कटवट मारने में थोड़ा सा दिखेगा, और देखना हाइट पड़ेगा। में भी और आप छोटी गाड़ी को एकदम से नहीं काट सकते। नहीं, अब और आप जैसे छोटी गाड़ी को एकदम हिल पे चढ़ा रहे हो या कोई रफ रोड आ गया, आप छोटी गाड़ी को हिल पे चढ़ा दो, रफ रोड पे चढ़ा रहे हो तो वो रफ रोड पे गाड़ी आपकी लग सकती है नीचे से अगर आपने तरीके से नहीं निकाली तो। अच्छा, तो लगने के चांसेस तो क्रेटा के भी कहते हैं ना। नहीं, क्रेटा काफी बहुत ऊंची ऊंची गाड़ी है, है, ऊंची गाड़ी है, एसयूवी एसयूवी सेडान की गाड़ी है वो, इसलिए उसमें चांसेस 90% कम हो जाते हैं। अच्छा। और वो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो बारिश या किसी भी मौसम में वो निकलने के अपने आप में कैपेबल गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कभी भी बारिश के मौसम में या स्किड या बर्फबारी में स्किड करती है। नहीं, अब जैसे मान लो किसी के पास, अब मेरे पास वैगन आ गए तो अब किस मैं अपनी छोड़ू, चलो किसी से कोई हो तो वो बंदा अगर अपनी गाड़ी को हिल्स पे लेके आए तो प्रेफर करे या ना करे, या मेरा बस से आने की प्रैक्टिस, नहीं, बस से आना प्रैक्टिस प्रेफर करे या फिर बस से आने से तो अच्छा है कि वो अपनी चाहे छोटी गाड़ी है बड़ी है जैसे भी है वो लेके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पेट्रोल छोटी गाड़ी यदि है तो पेट्रोल वर्जन में लेके आए, डीजल वर्जन में ना लेके आए। अब जैसे आप इसको वैगनार को ये सीएनजी में, ना अब ये सीएनजी में चला गए हो, हाँ, है तो सीएनजी में कोई दिक्कत आ गई हिल्स पे? काफी लोड ले रही है गाड़ी और काफी मैं प्रेशर दे के भी गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी अपने आप से जो मूवमेंट कर रही है चलती गाड़ी अपने आप से जो मूवमेंट करती है गाड़ी वो नहीं कर पा वो नहीं कर पा नहीं जैसे अगर हम बात करें, क्या है अभी तो एसी तो ऑन नहीं कर रखा, अगर एसी बंद करके भी चला गए तो भी लोड ले गया। हाँ, तो भी लोड ले रही है सीएनजी पर। अच्छा, और पेट्रोल पे चलाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं तो गाड़ी को सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिल रहा है तो पेट्रोल पे फिर भी काफी हद तक ठीक है। ठीक है।
पेट्रोल पर थोड़ी उसकी माइलेज क्या बोलते हैं टॉर्क जो है ना इम्प्रूव हो जाता है उसको। हाँ वो अब जैसे वैगनार में अगर पेट्रोल पे बात करें तो पेट्रोल पे तो देती है 68 bhp की ताकत, और सीएनजी पे ये 10 bhp कम हो जाती है, 58 bhp देती है। फर्क पड़ेगा ना, तो वो उसी का फर्क एक तरीके से पड़ जाता है। बंदे बैठे अभी तीन है, अगर सीधा हो ना, हम तीन के हम तो चार बैठे हैं, जिस हिसाब से हम तीन बंदे और हमारा अगर ये दो बंदे हो तो ये गाड़ी नहीं दबेगी, चल जाएगी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी दो बंदों से तीन बंदों की गाड़ी कंपनी जो सीटिंग देती है वो 5-seater देती है। हाँ। लगेज के लिए डिक्की अलग देती है। अच्छा। तो लगेज आप एक कैपेसिटी होती है लगेज की, ये नहीं है कि आपने गाड़ी लगेज से लोड कर दी, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। आप चार बंदे अगर इस गाड़ी में जा रहे हो और चार बंदों के हिसाब से एक एक बैग पाँच केजी का, 5 से 6 केजी का अगर एक बैग होता है पर बंदे का, तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, नहीं अब जैसे सीएनजी इसमें तो लगेज वगैरह तो आएगा नहीं, आप अगर तीन बंदों का लगे तो आ सकता है। अच्छा दोस्तों, ये था एक क्रेटा ओनर और हेमंत भाई का अनुभव। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड वियर योर सीट बेल्ट। थैंक यू।